اور کیا کر رب نو اللہ والے نے بڑی سنی گل کیتی ہے نا کیا کر معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آجا تیریاں عطاواں گے میریاں خطاواں گے ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آجا پھر اللہ سونیا گن گن کے اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں مچ گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آجا پھر اللہ سونیا امام الانبیاء نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سارے بھائی درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا دُکھیے دی کل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں ماپے جنان دے موت نے مارے او روندے نی تک قبراں حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वसल्लम आदी जाते अकदस व अतहर आला औला बाला वास्ते। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान भाइयों, इस्लामी रूहानी बहनों और माइयों, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक माहे रमज़ान अल मुबारक दा अज दा ए दूसरा अज़ीम शान खुतबे जुमतुल मुबारक जो कि मरकजी जामे मस्जिद मुबारक अल हदीस मेन बाज़ार तोही चौक पत्तोकी के अंदर हो रहा है, मोहतरम हाजी इस्लाम साहेब इन्हां दे साहबजादगान मेरे बरादरान और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जमाती नमाजी साथी यूथ फोर्स के नौजवान, अल्लाह ताला सब दिया मेहनतां कोशां कावशां मुहब्बत प्यार अपने दरबार अंदर कबूल ते मंजूर फरमाए और जिन्हें साहबान तशरीफ फरमाओ हजरात तो खवातीन, मैं देख रहा कि खुतबा शुरू होने तो पहले ही मस्जिद फुल है और जोग दर जोग अहबाब जी तशरीफ लिया रहे हैं, जिथों जिथों चल के आयो जिन्या कदमों नाल चल के आओ मेरी दुआ है खाले के कहना तुहानू अजरे अजीम अता फरमाए, पूरी तवज्जो खुशू खुशू मुहब्बत प्यार दिलजमी नाल तशरीफ रखो। जो उनवान मैं अर्ज करना है कि इस्लाम अंदर औरत दा मकाम जो है, हर औरत दा इस्लाम अंदर मकाम नहीं है, क्योंकि बाज औरतां जहन्मी ने और बाज औरतां जन्नती ने, बल्कि हदीस पाक अंदर मौजूद है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों पूछा गया बे जन्नत और जहन्नम दी वंड किदें, हजरात तो खवातीन दे बारे तो आपने फरमाया बे जन्नत दे अंदर मर्दों की तादाद ज़्यादा बीबियाँ कम ने निस्बतन मर्दों दे, और जहन्नम दे अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा है उन्हां दी निस्बतन मर्द कम है। तो जिहड़ी औरत बदज़ुबान है, बदअकीदा है, बेईमान है, चुगलखोर है, गीबतां करती है, ना मापियां दे एहतराम है, ना भाइयां दा, ना पड़ोसियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सास दा, ना सुसर बुजुर्ग दा, और ना सब तो पहली बुनियादी बात अपने घरवाले दी इज्जत दा लिहाज नहीं है, बल्कि उद्दती पहली बुनियादी बात कि अपनी इज्जत दा ख्याल नहीं है, तो ऐसी औरत जन्नत नहीं जाएगी, ना ही उसका कोई मकाम मरतबा है। क्योंकि तुसी देख रहे हो ना, ये बात मैं शुरू गुजारिश लाजिम समझदा हाँ, ठीक है, ए जो बाजारा दियाँ जीनत खवातीन बन दिया हैं तो साड़िया मावं भैं बड़ा दुख लगता है, और जड़ी रोशन ख्याली ते रेसा ते अपना जिसम अपनी मर्जी के नाम से अल्लाह जाने किन्नी फाशी और उरियानी फैलाण का सबब बन दिया हैं, ऐसी खवातीन दे इस्लाम अंदर कतन कोई मकामो मरतबा नहीं है। और जड़ी खावन की बाकी उन्हें फरमान है ऐसी औरत ते सारी रात रब दे मलैका लंता बांधे ने, ऐसी औरत दा इस्लाम च मकाम नहीं है। जिन्हां खवातीन दा जिक्र खैर मैं अर्ज करने लगा हाँ और जिन्हां दा मकाम मरतबा है वो अपने खावन दियाँ ताबेदार ने, अपने वाले दैन दियाँ इताद गुजार ने, और बड़िया खानदानी बावफा लजपाल ते राठ नमाज पढ़ने वालियाँ, रोज़े रखने वालियाँ, सबर ते शुक्र नाल जिंदगी इज्जत आबरू नाल गुजारन वालियाँ, जिहड़ियां रब दी तौहीद नू मन्नन वालियाँ ने, कमली वाले दी सच्ची हदीस ते सुन्नत ते चलन वालियाँ ने, उन्हां दा मकाम ते मरतबा है। और कई साथी वेख भाई माह रमजान का जुम्मा है तो हैदर साहब ने यही उनवान बयान करना शुरू किया है, याद रखो इस्लाम दे अंदर अल्लाह रसूल वालों जिवें मर्दां नूं अहकामात आए ने एवें हुक्म आए ने। हुण थोड़ी तवज्जो मजीद फरमाओ, अल्लाह तुहानूं जज़ा दे, नमाज मर्दां ते भी पढ़ना जरूरी है ते औरतां ते भी, यानी हुक्म नमाज दा जिवें मर्दां नूं है एवें औरतां नूं है, ए रोज़े रख के आए बैठे हो जिवें रोज़ा मर्दां ने रखना है एवें हुक्म रोज़े दा औरतां नूं भी है, जकात देना जिवें मर्दां नूं है, अगर कोई बीबी साहिब नसाब है मालदार है तो भी जकात का हुक्म उहदे वास्ते भी है,
अल्लाह अल्लाह कुर्बानी अगर मर्द कर देने ते औरतों नू भी हुक्म है कुर्बानी करो, सदका खरात इसी तरह ले लो। ए हज उमरे ते जांदे हो अगर मर्द जांदे ने ते बीबियां भी जांदियां ने और जाना चाहिए है, यानी कि नमाज रोज़ा कुर्बानी हज जकात एतकाफ जितने अहकामों मसाइल ने दीन शरा शरिया के अंदर वो इस्लाम कल्ला मर्दा वास्ते नहीं है, खवातीन नू भी बराबर अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है। बल्कि मुकदी मुका छड़िए तमहीद नो के जन्नत दे अंदर और जहन्नम दे अंदर, ए हुणे हुणे तुसी सुन रहे सो, जहन्नम दे अंदर कल्या बंदियां ने नहीं जाना, नाल बीवियां भी होण गईयां, अल्लाह माफ फरमाए। ते जन्नत आले पासे सुबहान अल्लाह उत्थे कले मर्द ही नहीं होने, भाई रसूल पैगंबर नबी सखी शहीद वली अली और जनाब बड़े इमाम मुहद्दिस औलिया सिर्फ मर्द ही मर्द होणगे, ना ना, जिथे जन्नत रब ने मर्दा नू देनी है उत्थे ही रब ने जन्नत खवातीन नू भी देनी है। और वह जिहड़ियां जन्नती खवातीन हैं ना नेक, उन्हां दा है मकाम। और वह मैं अर्ज करने लगा हाँ बयान इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने अपना कुरान नाज़िल फरमाया। जी बिस्मिल्लाह तो जो फरमाना है रब दा कुरान पे पढ़दा पारा बाइया सूरे अजाब हक दा ऐलान पे करदा, फरमाया वमा कान ले मोमिन वाला मोमिना। ए जड़ी आयत करीमा मैं पढ़ी है ये अंदर भी अल्लाह ने मोमिन का भी बयान फरमाया है ते मोमना का भी बयान फरमाया है, यानी मर्द का भी जिक्र ते नाल औरतां का भी जिक्र कुराने पाक अंदर आया है ना। और वैसे जड़ा अल्लाह फरमाते ने या युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, है जी ईमान के अंदर मर्द भी शामिल है, बीबियां भी शामिल हैं, और बीबियां की बड़ी तारीख है इस्लाम के अंदर, बड़ी कुरबानी है। अल्लाह अल्लाह आइए सुनते चालिए इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने अपना कुरान नाज़िल फरमाया। तवज्जो करना मेरे भाइयो, ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा, फरमाया वमा कान ले मोमिन वाला मोमिना। अल्लाह ने मोमिन मर्दा दे नाल मोमना बीबियां का भी जिक्र फरमाया है। या अल्लाह किया डर है, फरमाया इजा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जद अल्लाह ते उहदा रसूल कोई कज़ा कोई हुक्म कोई फैसला शाह सादर फरमा देवे ते फिर मोमिन बिन बंदियां वास्ते जायज नहीं, अल्लाह जी की जायज नहीं है। फरमाया अकून लहु मुल्क यारा तुम्हें ना अमरे हेमा, ओ फिर ना फरमानी करन बीबियां, ना ना अल्लाह रसूल दी ना फरमानी नहीं करनी। और जिहड़ी बीबी ना फरमानी करेगी ना उहदे बारे की हुक्म है, मर्दो जन सुनो हजरात ओ खवातीन, ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा, फरमाया वा मैं आसिल्लाह व रसूल हो, जिहड़ा अल्लाह रसूल दी ना फरमानी करेगी बीबे या बंदा फकद जल्ला जलालम मुबीना, ओते गुमराह हो जाएगा। एक होर मकाम अल्लाह दे कुरान दा मैनू याद आया और ए तो ऊपर वाली आयत करीमा ए ही सामने मेरे अल्लाह दा कुरान पिया होया है, इमाम अंबिया सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बीबी है ते जन्नती बीबी है, अज बीबियां दा जिक्र सुन लो ना, बीबियां दा जिक्र सुन लो ते जन्नती बीबियां ते सबर वालियां बीबियां ते नेक बीबियां खवातीन दा बयान है ना। अल्लाह कुरान अंदर इस्लाम अंदर की बयान होंदा है ना, अल्लाह दे प्यारे नबी दी प्यारी सिया बिया नेक बीबी जन्नती बीबी साबरा बीबी शाकरा बीबी ए दिल दे अंदर सोचदी पई है कदी अल्लाह सोने नबी दे उत्ते कोई इंज दी भी ऐत नाज़िल फरमा देवे, जिस ऐत करीमा दे अंदर मर्दा दे नाल नाम लैके बराबर बराबर साडा बीबियां दा भी जिक्र आ जावे ना। इस बीबी ने सोच सोचिए अल्लाह ने आसमाना तो कुरान नाज़िल फरमा छड़िया वे,
हूँ पत्तो की दिबासी अंदाजा लगाना है बीबी किन्नी नेक होएगी जिदियां सोचा नू रब ने कुरान बना छड़िया जिदियां दलीलां नू कुरान दियां सत्रां बना छड़िया जिदे इरादे ते प्रोग्राम नू अल्लाह ने कुरान अपनी कलाम बना के सुने नबी दे सीने पाक ते नाज़िल फरमा छड़िया और उस वेले ते करीमा आ गई है सुनना तो जो करन अल्लाह वालिया ए रब दा कुरान पे पढ़दा पारा बाइया सूरे अज़ाब रकू पहला हक दा ऐलान पिया करदा फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाह तेरा कुरान कितना खूबसूरत है सुभान अल्लाह और रमजान दा ते कुरान नाल ताल्लुक ही बड़ा है और रोजा रख के आने वालों और मस्जिद के अंदर अपने बच्चों को महतल कुरान मदरसा के अंदर कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजने वालों और जो कारी साहब नमाज तरावी में अल्लाह का कुरान सुना रहे हैं और आप जो बुजुर्ग या नौजवान कुरान सुन रहे हैं या खुद कुरान पढ़ रहे हैं मैं तुमको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक गल जिमनन गई है अर्ज किए देता हूं माहे रमजान महीना बड़ी शान वाला है शान वाला है शान वाला है एडा शान वाला है एडा शान वाला है अकाबरीन असलाम मुहद्दिसीन रमजान लंघन के बाद छे महीने दुआवा कर दे या अल्लाह साड़ियां नेकियां जो कुछ कीते रमजान च कबूल कर ले कबूल कर ले कबूल कर जदों छे महीने छिवाई लंघ जाती अद्धा साल अगो फिर रमजान फिर नेड़े यानी अगले छे महीने रेंदे आते तो फिर पुराने बुजुर्ग तो नेक लोग तो मुहद्दिस औलिया उलमा जिहड़े ने वह फिर छे महीने एडवांस ही दुआवां मंगणियां शुरू कर दें दे या अल्लाह रमजान तो पहले ना मारी या अल्लाह रमजान साड़ियां जिंदगियां च लै के आए हूँ गल अर्ज करने का मकसद यह है कि महीना बड़ी शान वाला है नेक पाक रहमतां बरकतां वाला भागे भरिया महीना है लेकिन इस महीने की शान क्यों है एक मिनट गौर करो इस महीने की शान क्यों है बाकी साल के ग्यारह महीनों के अंदर भी नमाज है इस महीने अंदर भी नमाज है वह नमाज तो ग्यारह महीने च भी है इस महीने के अंदर त्रावियां पढ़ दो बाकी ग्यारह महीने के अंदर भी तज्जद बंदे पढ़ने वाले मौजूद होंगे ने मस्जिद जाना भी तज्जद दी सहरी दियां हैं ठीक है बंदे जकात देंदे ने सदका खैरात खराज देगा कर लाते हैं बाकी ग्यारह महीने च भी बंदे जकात सारा साल ही ग्यारह महीने ही सदका खराज चलता है हैं जी ते जे बंदे कहन भाई हज उमरे ते जाने ते साल दे ग्यारह महीने ही उमरा खुले रहता है जी बंदे जाते रहते हैं ज़ियारतां वास्ते या अल्लाह दिन भी उवें चढ़ता है लहंदा भी उवें है उस तरह घड़िया मिनटा सकिंटा लिया सुइयां भी चलदिया हैं उवें पांच नमाजा ने सत नहीं नौ नहीं ग्यारह नहीं फजर जोर असर मगर बेशाह उवें जनाब उमरा उवें खर्च खराजात उवें जकात ए फिर रमजान महीना आला ते अफजल बनिया क्यों आसमान तो आवाज आउंदी है अगर रमजान नू शान मिली है तो मेरे कुरान नाल मिली है अगर माहे रमजान नू शान मिली है मेरे कुरान नाल मिली है ना ताई ते हैदर फकीर कहंदा मैं ना रब्बी वत रमजान नसीब होए रब्बी 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 किस्मत दी बात है ना रब्बी वत रमजान नसीब होए अगो किस्मत दी बाराते ते जदो नाज़िल पाक कुरान होए इहदे विच बाबरकत राते ते कर तौबा रब कोलो माफी मंग ओ बख्शन वाली जाते फरमान मदीने वाले दा रोजा जिसम दी वीर जगाते अगर रमजान नू शान मिले है तो कुराने पाक दे नाल मिलिया है ना अल्लाह कुराने पाक ही बयान करता है और रोजा रख के आने वालों रोजे से बैठने वालों सुनने वालों सुनाने वालों कुरान पढ़ने वालों पढ़ाने वालों अल्लाह आपको पता है माहे रमजान के रोजे का एक तो आपने ये उलमा से यकीनन सुन रखा है कि रोजे का सवाब अल्लाह ही जान दे किसी फरिश्ते ने भी नहीं पता जिन्नू भी नहीं रखन हाले नू भी रब ने दसे ही नहीं है एक और बात फकीर अगली अर्ज किए देता है रोजा एक कई बंदे नहीं रखते बहाने बनाते नहीं तो ड्रामे करते नहीं जी मेरी सेहत नहीं ठीक है मैं बहाने जैली मिट कर मेरा मेदा नहीं ठीक जी है वो है लोगों दाल ला लेगा लेकिन रब की निगाह चो बच सकता
ए कबर च बंदे नहीं हो जाना, मुड़ जिंदगी दोबारा वफा करती है नहीं करती है। और मैं तेन रोजे की अगली गल दस दियाँ, एक तो यह है ना कि सवाब अल्लाह ने किसी दसे नहीं है, दूजी गल यह है रोजा क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है मेरे भाइयों, आप हफ्ते के दो रोजे रखते, मेरे प्यारे नबी दो रोजे रखते, और आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह सुनिया साढ़े मां बाप कुर्बान, ये तुसी हर हफ्ते सोमवार, हर सोमवार का, हर जुमेरात का, अयामे 20 चांदी 12 13 14 ये रोजा तुसी क्यों रखते हो। अल्लाह ते उत्थे सरकार ने की फरमाया, फरमाया सोमवार का रोज़ा मैं इसलिए जिंदगी भर ही रखदा वा हमेशा ही, कि सोमवार वाले दिन मैं पैदा भी होया सा, तो सोमवार वाले दिन सी जदों अल्लाह ने मैं यतीम दे सिर ते खत्मे नबूवत दा ताज पहवाया सी, ते मैं रब दे शुकराने दे तौर ते शुकराने का रोज़ा रखदा। ठीक है यार सुला, चलो ये बात समझ आ गई। तो यह जिहड़ा जुमेरात का रोज़ा है, ले हुण मेरा मौका तैनू समझ आ जाएगा वीर प्यारिया, जुमेरात दा रोजा तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान मेरे आले पासे करना, जुमेरात दा रोजा। सरकार फरमाते ने साथियो ओ सहाबियो, तुहाडे पुछण दे भी क्या कहने ने, तुहाडी फिकर दे भी क्या कहने ने, तुहाडी नेकी दी सोच दे भी क्या कहने हैं कि मैं जुमेरात दा क्यों रखदा हाँ जी आका। फरमाया जुमेरात दा ये जिहड़ा रोजा मैं हमेशा ही रखदा हाँ ना, इसलिए रखता वा कि अगर अल्लाह वालों पैगाम आ जाए ना, मलकल मौत मैनू लैन आ जाए, तो मैं नबी दी खैश है, ये मेरी तमन्ना है, किसी दी कोई खैश है, किसी दी कोई खैश है, किसी दी कोई हसरत है भाइयो, किसी दी कोई हसरत है। आ मैं तेनू कमली वाले दे दिल दी खैश सुना रहा हाँ, तो अंदाज़ा लगा रोज़े की इबादत का, माह रमज़ान के महीने का। सरकार फरमाते ने मेरी दिल की ख्वाहिश यह है कि जदों मैं दुनिया तो जावा ना, तो मैं रोज़े की हालत अंदर हो, शर्म नहीं आती और रोज़े खोरो। सरकार कलमा किड़े मुँह नाल पढ़ते हो, इत्थे आंदे मैं मर जावगा, वो तू मर जाएगा तो की होएगा रोज़ा रख के। कमली वाले का फरमान नहीं सुन रहा, सरकार फरमाते ने मेरी तो खैश है वे कि जदों मैं मुहम्मद नू मौत आए तो रोजे की हालत अंदर आवे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरा ख्याल भाइयों नू गल समझ आ गई है, इंशाल्लाह फकीर की मेहनत सठा पै गई है, सफर सठा पै गया है। एक मेरे रब का कलम है, सरगो दे साइड दे सी जिहड़े फकीर लोग आ ना मौलवी साहबान, अल्लाह ने सानू गल समझाण दा ढंग अता फरमाया है, ये मेरे मालिक का फजल है। इमाम उल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, हुण कुरान पाक सुनते जाना मुहब्बत नाल प्यार दे नाल। ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा, फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह मुसलमान बंदे मुसलमान बीबियां गे, फरमाया वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन बंदे ते मोमिन बीबियां गे, फरमाया वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह दे फरमा बरदार बंदे ते फरमा बरदार बीबियां, अगे की फरमाया वसादिकीन वसादिकात, वसाबिरीन वसाबिरात, वल खाशीन वल खाशियात, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, वस्साइमीना वस्साइमात, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कतीरं वज़्ज़ाकिरात, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतं वअजरन अजरन 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 वअजरन अज़ीमा। अल्लाह ने
नेक बीबिया का जिक्र खैर फरमाया है ना। हुण सुनदे जाओ मेरे भाइयो, जिहड़ी गुजारिश मैं अर्ज़ करना चाहना, खास कर मैं अपनिया बहनों नाल गल करना चाहना, खास कर अपनिया मावां नाल अपनिया बेटियां नाल गुजारिश करना चाहता वा। अगर परेशानी औलाद वालों आ जाए फिर भी सबर करना है, अगर परेशानी आ जाए बरादरी वालों, ससुराल वालों, शरीके वालों, फिर भी सबर करना है। अगर बीमारी परेशानी घर वाला बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, घर चो बीमारी ना जाती निकलती होवे, फिर भी सबर करना है ना। अगर कारोबार डाउन हो जाए, हालात गड़बड़ हो जाए, तो फिर भी मेरी बहन माँ सबर करना है ना। अगर तेरे घर वाले की कोई नौकरी का मामला मसला बन जाए ना, कि रौला बन जाए ना, हालात टैट और तंग हो जाए, फिर भी सबर करना है ना। और अगर कोई ऐसा वैसा मामला बन जाए ना, अपने घर वाले का साथी बनने, उन्होंने परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना ना। तो मेरे नबी जदों मेराज ते गए कहण ना, वगरना मसला मैं अर्ज कर देना हाँ ना, पहले 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 सुन लेना तवज्जो दे नाल। जड़ी बीबी नमाज पढ़ती है, जड़ी बीबी रोजा रखती है, जड़ी बंदी बीबी जकात दिंदी है, जड़ी बीबी हज ते उमरे करती है, जड़ी बीबी नमाज रोजा जो कुछ भी निकियां करे, लेकिन अगर खावां दे ते नाराज ते बोलो जन्नत जा सकती। हाँ तवज्जो नाल, जन्नत जा सकती, जन्नत नहीं जा सकती। दलील चाहिए है तो मैं दलील अर्ज कर देना, मेरे नबी सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज वाली रात बीबियां बहुतियां जहन्नम अंदर वेख के आया हाँ ना। अल्लाह अकबर, सरकारे मदीना मेराज ते गए, किथे लिखिया? मैनू भाई जान फरमा रहे ने जी, कुरान पढ़ो जरा माशाल्लाह, ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पिया करदा। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो मेरा दिल करता है बड़े मेहमान आ रहे ने माशाल्लाह, सारी आवाम नू मेहमाना नू मैं अहलन सहलन मरहबा इंतजामी वालों अपने वालों भी कहता माशाल्लाह, अल्लाह सारिया तेरा दी हो जावे, रमज़ान का मुबारक जुमा है ना। सरकारे मदीना सरूरे कलबो सीना मेराज शरीफ दे गए हैं, तो जरा इंज अपना रौनक ला लईए ना, विच कुरआन नबी दियां नातां लिखिया ने, हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने, पंद्रहवां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो, पंद्रहवां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो, सारिया सैरां ते मुलाकातां लिखिया ने, हर वर के ते ओदियां नातां लिखियां ने। सरकार फरमांदे ने जदों मैं मेराज वाली रात जहन्नम अंदर गया ते बीवियां बोतियां सणना, नमाज रोजा कम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, औलाद दी जन्नत वाले दैन माँ बाप ने, और बीवी दी जन्नत रब ने उहदा शौहर बनाया वे, बीवी दी जन्नत अल्लाह ने सिर दा ताज बनाया है ना। इस वास्ते गल सुनो, मुहब्बत नाल मेहर करना चाहना मेरे भाईओ, अल्लाह कोई ऐसे वैसे हालात मामलात आ जाण ते सबर करना है, खावां दा बाजू बनना है, खावां दा हौसला बुलंद करना है ना। किवें? मां जी सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलावातुल्लाहि अलैहा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन खतीजा। जिस वेले मेरे नबी पत्थर खा के आंदे, मेरे नबी परेशान हो के आंदे ना, ते माँ जी खतीजा तसलियां दिंदियां मेरे नबी नूं, फरमादियां ने इन्ना कल तसलुर रहमा वतहमिलुल कल्ला वतक्सिबुल मादुम वतुकरियु ज़ैफा वतुईनु अला नवाए बिलहक कल्ला वल्लाहि मा युखजी कल्ला हो अबदा। महबूब परेशान ना होवो, अल्लाह तुहाडियां मददां करेगा,
अल्लाह तोड़ियां मतां करेगा ना। अगले दिन साढ़े सरगोश दे अंदर आटा वंडिया जा रहा सी, ते डर रब दे कोलो हर वक्त, मेरी माँ रब कोलो डरिया कर, मेरी भैन रब कोलो डकरिया कर। अल्लाह अल्लाह अगले दिन सरगोदा दे अंदर आटा तकसीम हो रहा है ना, एक ऐसी बीबी है जड़ी आटे की लैन अंदर लग गई है ना, और रमजान तो पहले वसदे वसदे उजड़ गए खैन ना, दुकान नू अगा पै गई ने, घर अंदर डकेटी हो गई है, रही कख नहीं है, घर वाला भी फौत हो गया, नजरिया तश हो गया। अल्लाह अकबर, रमजान के महीने तो पहले पहले अपनी जकात अदा कर दिता कर दिया सन ना, वो बीबी बड़ी खैरात देने वाली, बड़े खुले हथ वाली, बड़ी राय लंदर खर्च करने वाली ना। जेड़े वेले बीबी आटे का थला लैन वास्ते लैन अंदर लगी है, तो सारे दियाँ डीकर निकल गई है, सारा मजमे वेख के रोन लग पिया है, आंदने वाह अल्लाह तेरिया मर्दियां हैं, ए कदी दाते वांगू इंज वंड वंड के थकदे ने सी, अज आटे दे थैले वास्ते लैन अंदर लगी पई है। वक्त बदलदियां देर नहीं लगती, देर नहीं लगती, रब को डर के रहना है, तो साबिर शाकिर बन के रहना है ना। आओ दरा दूजी गुजारिश म्यार करना चाहता खाना, मेरे और तुहाडे प्यारे नबी सुने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे बाबा जानी ऐन सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्हां दी शादी होई ऐ ते बाबे इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल नू मिलन वास्ते आए हैं। हदीस सही बुखारी अंदर बड़ा मशहूर वाक्या जनाब ने सुन रखे होगा, मैं इशारा करके अगे चले जाना है, बड़ा सफ़र लंबा है, तवज्जो रखनी है ना मेरे भाईओ, बात जाया ना मेरी हो जाए ना। हजरत इस्माइल घर नहीं ने, बाबा इब्राहिम आ गया है ते सलाम बुलाया है, ते बद जुबान ते ना शुक्री बीबी ओ आइए दरवाजे ते बुवे ते, हाँ कौन बाबा की गल, फरमाया किथे तेरा घर वाला, आखे शिकार ते गया होया, कदों आएगा मैनू पता ही कोई नहीं है, ना जी आया क्या, ना बिठाया, ना पानी, ना आराम, ना को खैर सलाह, ना को गल, ना बात, जबान चंगी नहीं है, अखलाक चंगा नहीं है। हजरत इब्राहिम ने मामलात वेख ते बड़े परेशान होए, नौजवानों खुदा दी कसम है, मापियां दी कदर करो ना, अगर धियां दे वियान दे बाद उन्हां दे हां औलाद ना होवे ते मावां दी जिंदगी दुखी हो जाती है, अगर धियां जाके अगले घर परेशान होण ते वालिदैन परेशान हो जाते हैं, अगर बेटे दी हां विआह शादी दी बात औलाद ना होवे ते वालिदैनां नूं दुख लग जांदा है, अगर बच्चा तंग होवे परेशान होवे खुश ना होवे ते वालिदैन दुखी हो जाते हैं ना, कदर कर अपने वालिदैन दी। हजरत इब्राहिम परेशान हो गए, आदने एक ही बन गई मेरे बेटे का, तो घर अंदर अच्छा मामला नहीं है ना, अच्छा मैं जानता वा धीए जदों आ जाए ना तेरा घर वाला, अजे भी नहीं दस्या के मेरा पोते, मेरा मुंडे, मेरा बेटा है ना, हाँ की दसना है, जदों आवे कहना दीवार चंगी है, मकान चंगे, ताक दरवाजे चंगे ने, पर चौकाठ चंगी नहीं है, चौकाठ बदल देनी है ना। जेड़े वेले हजरत इस्माइल आए ने ना, त्यां दिने मैनू इदां महसूस हुंदा है जिदा कोई साढ़े घर मेहमान आए, परौणा आया है, ते बीवी आंदी हाँ आया सी बाबा, ते वाचां बड़ियां मारदा सी बाहर खड़ा हो गए, ते कोई गल करके मैनू ते पता नहीं आया, पन्ने किदां दियां गल्लां पुराणा बाबा, मैनू ते समझ नहीं आई, आए की आंदा सी, आखे आंदा सी चौकाठ बदल देवो। हजरत इस्माइल आंदे ने ओ तेरी जबान चंगी नहीं, तू सबर शुक्र वाली नेक भी, नहीं है ना, ओ अल्लाह दिए बंदियो ते मेरा बाबा इब्राहिम से, ओ ते मेरा वालिद इब्राहिम सीना, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई ए, परांदी उन्होंने जेंदे दिल दी सफाई ए, मापियां दी खुशबू अल्लाह। हजरत इब्राहिम नू खुशबू आ गई, दूजा विआह करा ले, शादी करा लिये ना, अज फिर आए ने हजरत इब्राहिम चक्कर लाना अपने पुत दे घर,
ते जड़े वेले सलाम बुलाया ना ते वालेकुम सलाम जी बाबा जानी आओ ना के तशरीफ ले आओ तुसी बैठो ना मैं तुनों पानी दिनिया जल्दी नाल दौड़ के जमजम पिला छड़िया खजूरां के रख छड़िया आंदियां ने बाबा आराम करो नाले दसो किवें आयो ते की कम है ना मैनू तेरे घर आले इस्माइल नूं मिलण दा दिल करदा है ना फिर भी नहीं दस्या कि मेरा पुत है ते मैं उहदा बाप ते दसो पुत तुहाडा गुजारा कितना हो रहा है ना ते फर्म बरदार नेक बीबियां ने खवातीन जंती औरतां ए नेक बीबी बोलिए आंदिए बाबा साढ़े तेरे बड़े फजल ने ऐ बंदे जड़े नाल गोश्त खाते हैं ते गोश्त ऐ जिद्दां तुसी रमज़ान अंदर वेंदे हो ना कसाई जनाब तकबीर तकबूर भी कोई नहीं पढ़ते ते हलाल हराम दा भी पता कोई नहीं ते मूँह अंदर पान है सिगरट है कुल्ली नहीं है एवें तकबीर पढ़ी ना पढ़ी शादियां दे आर्डरां ते एवें टोका फेरी जाते होंगे हैं ना ते कई बदबख्त कसाई आते हैं कि साड़ी पढ़ी पढ़ाई है ते टोके छुरी ते लिखी हुई है माधला ते कई मरियां ते छुरियां फेर छड़दे हैं ते बीमार जानवरां ते लेकिन इस्माइल दी नेक बीबी आंदी है बाबा लोकी गोशत खांदे ने रब सानू परिंदे खवांदा वे रब सानू परिंदे खवांदा है ना अल्लाह दे बड़े करम है ना अच्छा मेरा पुत हाँ बाबा ते नाले मैं तेनू दसा मेरा घर वाला बड़ी चंगा ते नेके ते मेरी ते किस्मत जड़ी मैं दे निकाह अंदर आ गई हाँ ना अच्छा पुत ओ किवें ए बीबी आंदी है नेक बीबी आंदी है बाबा जिहड़ा मेरा घर वाला है ना उदा बाप कोई आम बाप नहीं है उदा बाप कोई रब दा बड़ा प्यारा नबी पैगंबर है नाले अल्लाह दा बड़ा दोस्त है नाले मैनू इस्माइल आप दस दे कि मेरे बाबे ने रब दे दीन मगर अग अंदर छलांग मार छड़ी सी ते उदा बाप ते बड़ी असमत वाला है ना मैं उदीनों मैं इस्माइल दी बीवी हाँ ते मैं ते बड़े मुकदर वाली हाँ जिहड़े वेले इन्नियां गल्लां कीतियां ने ना ते हजरत इब्राहिम ने सिर ते हाथ फेरिया खुशी दे नाल सूडेग पैने त्याद ने दिए मैं इब्राहिम मैं इब्राहिम मैं ही इब्राहिम अच्छा बाबा फिर कपड़े उतारो ना मैं थोड़े धो दिंदियां नाले आज मैं जान ही नहीं देना रात ठहरो इस्माइल भी आ जाएगा फरमाया नहीं पुत मैं पिछा जाना है बस इस्माइल आवे ना ते मेरा सुनेहा दे देना के चुकाठ चंगी है हुण बदलण दी लोड़ कोई नहीं है ए नेक बीबियां सुभान अल्लाह कैसियां कैसियां नेक बीबियां हैं रब दा कुरान पे पढ़दा पारा ठाइयां ऐत पहली हक दा ऐलान पिया करदा फरमाया कद समी अल्लाह हो अल्लाह तेरे कुरान दे क्या कहने हैं कुरान 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 माशाल्लाह अल्लाह फरमाते ने कद समी अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैं सुन रहा अल्लाह की सुन रहा फरमाया उस बीबी दी गल नू मैं सुन रहा केड़ी बीबी माई खौला सलामुल्लाह अलैहा घर वाले ने कह दिता अंत कदार उम्मी तू मेरे लिए इवें जिवें मां हुंदी है बीबी नू मां कह छड़िया ते उदों इदा तलाक हो जाया करदे सी ना वडेरी उमरे बच्चियां हैं ते घर वाले ने तलाक दे छड़ी है ते पेके भी जान दा कोई वसला नहीं है ना आंदी है जावां ते जावां किड़े पासे तुरदी 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 वेखे ना कमली वाले दे कोल आ गई है और आंदी है सोणिया मैं किड़े पासे जावां घर वाले ने मां कह छड़िया है इवें तलाकां हो जांदियां हैं ते हुण मैं किधर जावां मेरियां धीआं रुल जा मैं पेके जान जोगा मेरा कोई एहतमाम नहीं है ते घर वाले ने तलाक हुण मैं किधर जावां तुहाडे कोल चल के आईआं ते मेरे नबी ने फरमाया बीबी इस बारे कोई अजे ऐत ना दिल कोई नहीं होई तेरे मसले दा मेरे कोल हल कोई नहीं है ना जदों कोई वाक्य नहीं इदां दा पेश आया पहला मसला है कोई हुक्म आएगा ते दस देंगे हुण चली जा ना ते कोलो बीबी ऐशा बोलियां नहीं आदियां ने खौला
अल्लाह दे नबी नूं परेशान ना कर। दिन थोड़ा होंदे मसले पुछण वास्ते, हुण रात दा टाइम शाम पै गई है, जा चली जा ना, सवेरे फिर गल हो जाएगी। खौला दी चीख निकली है, खौला दी ठा निकली है, आंदी है नी आशा प्यारी है, दुखी बंदियां दियां रातां बड़ियां लंबियां हो जाया करदियां नी, नींद नहीं आउंदी, तारियां गिनदियां रात लग जांदी है, मैं जावां कड़े पासे। जिहड़े वेले नबी जी ने जवाब दिता ते बीबी आयशा ने इदां दी गल कीती है, उत्थे खड़िए एवें एक कदम पिछा हटिए ना, ते आंदी है हाई कोर्ट चो मसला हल नहीं होया, मैं सुप्रीम कोर्ट दा बुआ खड़कानी आ, मैं सुप्रीम कोर्ट चली जाती हाँ ना, दिल ही दिल दे अंदर अपने रब नूं पुकार छड़िया है। अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह फरमांदे ने, जे मैनूं पुकारें ते जबान हिलाण दी भी लोड़ कोई नहीं है, जे मैनूं पुकारें ते लब हिलाण दी भी लोड़ कोई नहीं है, ते जे मैनूं पुकारें ते हथ चाण दी भी लोड़ कोई नहीं है, ते जे मैनूं पुकारें ते सजदे डिगण दी भी लोड़ कोई नहीं है ना, ते जे मेरे नाल रुजू करना है, जे मेरे नाल सुलह करनी है, जे मेरे कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंगनी है, अपने दिल वाले पांडे नो ओदा मुंह सीधा मेरे वल कर दे, मेरी रहमत तेरे वल हो जाएगी। ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਹੈਣ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮਾਈ ਖੌਲਾ ਜਦੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਰਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈ, ਨਬੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਦੁਖੀ ਆਰ ਹੋਈ, ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ, ਉਸ ਗਮ ਥੀ ਹਾਲ ਬਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਹੀ ਮਾਰ ਫਲਕ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਨਾ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦਾ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ, ਰੱਬ ਖੱਲੀ ਵਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਦੀ ਉਜੜੀ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੇਮਦਦੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਸੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਸਮੀ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਖੌਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ, ਖੌਲਾ ਗਰੀਬ ਆਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਖੌਲਾ ਕੀ ਕਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਬਰੀਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜੋ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਸੁਣ ਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੱਤੋ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਗੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਜ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇੰਜ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਹੈਣ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈਣ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਅਮੀਰੇ ਉਮਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈਣ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਪਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਦਿ ਨੇ, ਅਮੀਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇਸ ਬੁੱਢੜੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸਾੜਾ,
ए खौलावे खौलावे जिदियां रब अरशां ते सुन दे मैं क्यों नहीं दियां सुना टिक के खलो के नेक बीबियां दी गल कर रहा ना ते बीबियां दे बारे मेरे नबी ने फरमा छड़िया हदीसे पाक जा सल्लत खमसा वसामत शहरा जड़ी बीबी रोजे रखे रमजान दे महीना भारत पंजो नमाजा पढ़े ते ओ अपनी इज्जत की हिफाजत करे ना वातात बाला अपने खावन की ताबेदारी करे ना ओ दाखिल होएगी क्यामत नो कोई नमाज पढ़न वाला नमाज के दरवाजे चो जन्ना जाएगा जिहाद करने वाला जिहाद के बूहे चो जन्ना जाएगा रोजेदार बंदा बाबू रयान के बूहे चो जन्ना जाएगा लेकिन जड़ी नेक बीबी इनू रब ऐलान करेगा तेरे लिए अट्ठे खुले ने जिदे जो दिल कर दे लंग जा तेरे वास्ते जन्नत दे अठो दरवाजे खुले ने नेक बीबियां नेक औरतां जन्नती औरतां सुभान अल्लाह अगली गल सुनो ते मैं अर्ज करना चाहना मेरे भाईओ सुन मुहब्बत और प्यार दे नाल माफी तू ही अपने रब दे कोलो मंगिया करना और किया कर रब नो अल्लाह वाले ने बड़ी सुनी गल कीती है ना किया कर माफियां दे कलम आज फेर अल्लाह सोणिया गल ए पसंद तेनो ढेर अल्लाह सोनिया माफिया दे कलम आजा तेरिया आतावां गे मेरिया खतावां गे टन्ना दे मुकाबले की सेर अल्लाह सोनिया माफिया दे कलम आजा फेर अल्लाह सोनिया गिण गिण के अल्लाह जी खतावा दसा केड़िया मच गया मेरे तो हनेर अल्लाह सोनिया माफिया दे कलम आजा फेर अल्लाह सोनिया इमाम उलंबिया सुने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी सियाबिया है ना नेक बीबी है ना घर वाला घरों बार जान लगे ना ते आंदे जब तक मैं वापस ना आवा तू घरों बाहर नहीं निकलना इन तक मगरो इदा वालिद बीमार हो जाता है ते भाई आंदे ने जल्दी घर आ जा अब्बा बीमार है ए आंदी है वीरो जिदे नाल निकाह करके दे छड़िया सी ओ घरों निकलन तो मना कर गया है फिर पैगाम आ जाते नी भेणे तेरा बाबा ते मौत जिंदगी दी कशमकश अंदर है तेनू बार बार पुछ दे मेरी धी नहीं आई तेनू बार बार याद कर दे उनू ते दसो ना ते सारी जिंदगी तरसती रह जाएगी बाबे नाल दो गल्ला कर जा तेरा बाबा मेहमान है पिराना खैदा इस वास्ते जल्दी नाल आ जा तेरे नाल भी साडा पैगाम सुन के ते दोबारा पैगाम भिजवादी है आंदी ए वीरो जिदे हाथ अंदर मेरी बां पकड़ाई सी ना ते बाप ने किया सी जिंदगी तेरा लामा नहीं आना चाहिदा ओही निकलन तो मना कर गया है अच्छा खैर मैं कुछ कर दी हां एक पासे बापे दूजे पासे खावां दे एक पासे वीर ने दूजे पासे खावां दे एक पासे पेके ने दूजे पासे खावां दा है आंदी है मैं सुन नबी कोलो मसला पूछ लैंदी हां मेरे नबी की फतवा दे रहे हैं फरमांदे ने बीबी जिस बीबी नु घर वाला निकलन तो मना कर गया होवे मैं मोहम्मद इजाजत नहीं दे सकदा मैं पैगंबर भी इजाजत नहीं दे सकदा अल्लाह अल्लाह इन्हें क्या हुण ते मैं नहीं आना जे इजाजत दे देंदे ते मैं टुर जाना सी दुनिया नू मेरे नबी ने सबक दे छड़िया है नेक बीबियां नू मत दे छड़ी है ना खावंद दा मकाम दा छड़िया है नेक बीबियां वास्ते ना इहदा वफात हो गया ना इतला मिली है ते बीबी रोण लग पई है ना अपने वीरां नू आंदी मेहरबानी करो मेरे बाबे दी मंजी जनादा मेरे घर आले पासों मेरी गली अंदर लेके आ जाओ दा जनादा आ रहा है मैयत मंजी आ रही है जदों चार पाई आई ना दरवाजे दे सामने इंज वीरा ने जनादा अपने बाप दा रख छड़िया है ना अगरों पड़े कपड़े दे नाल परदे अंदर आईए अपने बाबे दा चेहरा वेखे मूँह वेखे ते रो पई है ना आसमान वल मोह कर दिए अरशां दे या रब्बा
तेरा हुक्म मन के तेरे नबी दी आखे लग के मैं ये अमल किया वे अगर मेरा अमल पसंद ते मेरे अबू दे दर्जे बुलंद फरमा दे। यकीन अल्लाह ने दर्जे बुलंद फरमा देते होंगे। ऐसिया होती हैं नेक बीबियां जन्नती औरतें ना इतने घर वाले एक होर नेक बीबी का बयान भी सुन लेना। एक घर वाला बार गए तो बच्चे ना तो बीमार है ना तो अल्लाह का करना बच्चा फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लपेट करके अंज चार पाइया के अंदर उतरी जगह से रख छड़िया है ना। घर वाला आया पहले हाथ धोला इन्हें फिर रोटी खाना दिता है ना फिर खैर अल्लाह पूछिए जो सारिया गल् कर रही ने ते लेट गए हैं ना आराम करते फैन ना अल्लाह मियाँ बीवी ने रात गुजारी है ना जो पिछली रात का वक्त होया तो ये बीबिया दी अल्लाह वाले आ मैनू गलते दस देना। कोई बंदा किसी को अमानत रखे तो वापस लै लवे तेनू नाराज तो नहीं ना होना चाहिए आखे नहीं नहीं होना चाहिए ना आंदी है फिर मरदियाँ रब दियाँ साडा पुत रब की अमानत सी रब ने वापस लै लिया है मर गए मेरा पुत तू तो आंदी से के पहले नालो आराम अंदर है ओ अल्लाह वाले ओ ता आराम अंदर है पहले साडे घर अंदर सी हुण जंतन चला गया वे। ऐसी नेक औरतें होती हैं ऐसी जनती औरतें होती हैं ऐसी सबर वाली शुक्र वाली औरतें होया कर दिया हैं ना। आखिरी दो बातें सुन मुहब्बत और प्यार दे नाल मैं सदके ते कुर्बान जावा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया सुने नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुराने पाक नाज़िल फरमा छड़िया कहना अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया सोनिया ऐज़रा पढ़ के सुनावे ना वाकया ऐज़रा पढ़ के सुनावे ना किस्सा हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम जदों निकले ने ना बंदा कतल हो गया मुकमारा की वजह नाल ते चलते 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 जंगल अंदर आ गए सफर करते करते मदीना अंदर आ गए मदीना के कुएं ते आ गए ना उत्थे दो बच्चियां वेखी ने खड़िया हुई हैं लंबिया चादरा लैके परदे करके ना ते बकरियां लैके अजड़ लैके लोग पानी पिला रहे हैं। हजरत मूसा अगा होए ने रब ने कुरान बना छड़िया है सुन अल्लाह वाले कुराने पाक रब दा कुरान प्या पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा फरमाया वलम्मा वरदमा मदियन मदियां दे कुएं ते हजरत मूसा खड़े ने ते नेक बीबियां खड़ी हुई ने ते कुरान सतरा बना रहा है फरमाया बीबीओ तुसी पानी क्यों नहीं पिला रही फरमादियां ने ऐ जदों सारे इजड़ पिला के चले जाते ने तले चिकड़ बच जाता है गारा बच जाता है साड़ियां बकरियां उही पी के गुजारा कर लेंदियां खैण ते क्यों तुसी इंज क्यों तुहाडे नाल कीता जांदा है ये बच्चियां परदे चुआंदियां ने अल्लाह वालिया साडा बाबा इन्हां नूं रब दा दीन दसदा है ये तौहीद दे दुश्मन लोग ने जिहड़े सानू पानी नहीं पिलाण देंदे ये जदों चले जांदे ने ते असी साइड ते खड़ियां रहिंदियां इन्हां दे विच मिल के मखलूत हो के मिल मुल के मर्दां दे विच घमसान नाल इदां असी शर्म हया वालियां असी बाद अंदर ही पानी पिला लैंदियां खाना। अच्छा ते तुहाडा बाप क्यों नहीं आंदा तुहाडा वीर कोई नहीं है उस वेले पैणा रो ते पईयां होणगियां ना रमजान दा मुबारक जुमा है मैं दुआ करदा जिन्हां पैणा कोल वीर कोई नहीं अल्लाह वीरे दे देवे जिन्हां मावां कोल पुत कोई नहीं अल्लाह पुत दे देवे ना अल्लाह अकबर। आंदियां ने साडा बाप अखां चो नबी ने रब ने वीर दिते ही कोई नहीं है ना इन्हां दे भारी पत्थर सैड ते करके पानी पिलाया ते बकरियां लै के चलियां गईयां जिहड़े वेले शुएब अल्लाह दे नेक बंदे ने वेख्या कि अज टैमो टैम आ गईयां हैं आदियां ने धीओ अजे जल्दी किवें आ गईयां जे अल्लाह अकबर अल्लाह अगो बोलियां खैण आंदियां ने बाबा एक बड़ा दयानादार शरीफ ते नेक बंदा सानू टकरिया ना उन्हें पानी पिला दिता जाओ सदके लै आओ ना जिहड़े वेले आईयां ने ना कुराने पाक दियां सतरां बणदियां गईयां ऐ रब दा कुरान प्या पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा फरमाया फाजा तो होए दा हो मां उन
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਕ ਆਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ ਦਿਨੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਵੱਟੇ ਸੜਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆਈਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੁਫਸਰੀਨ ਸ਼ੁਐਬ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੈਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਐਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਬਬ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਹਯਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਨਤੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੈਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੈਣ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਇੱਜੜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਤਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਤਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਯੂਬ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਯੂਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈਣ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਯੂਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ 18 ਦੇ 18 ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਖੈਣ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵੈਦਾ ਲਈ ਰਾਜਯੋਦ, 18 ਜਨਾ ਦੇ ਔਲਾਦ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਪੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਣ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਤੋ ਬਿੱਲਾਹ ਰੱਬਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈਣ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ ਹੈਣ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਈ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਆਈ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਕਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਆਂਦਨੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਏ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋਹੀਦ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਨੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਤ ਅਯੂਬ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ। ਚੌਥੀ ਜੋ ਬੀਵੀ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲੇ ਪਰ ਪੋਤੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ, ਸਾਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਹਬੂਬ ਦੀ, ਸਬਰ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਨਾ ਤਾਈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਆਖਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ
तलाक नी चली जा पे के मेरा छड़ दे साथ नी आपे कटा मैं जिमें करे रब पाक जी तो तकलीफा उठावी नाए ते बीबी रहमत दी को आवाज की आ रही है सुनिया जमाई रहमत चांकरा ने मारिया रब दिया हबीबा ते थो सदके मेवारिया लेके तलाकां चलिया गईया जो सारिया ओना ने कुछ भी खटिया नहीं हजरत बीबी रहमत की आदियां हैं आदियां हैं अल्लाह दे नबी जी मैं नहीं जाना ना हजरत बीबी रहमत कम कार कर दिए घर वाले नू ले के फिर दिए ना ते आके नवाले लुक में अपने घर वाले दे मुंह अंदर दिंदी है ना ते हजरत अयूबांद ने बीबी रहमत तू अजमेश अंदर पै गई है मैनू तेरा फिक्र है ना नेक बीबी ए जनती बीबी ए आंदी अयूब इन्ने साल तू मैनू नौकरा रानियां रख के दित्तियां हैं मेरे कपड़े नौकरानियां धुंदियां सन मेरे खाने नुकरियाणियां बनादियां सन मेरे भांडे नुकरियाणियां धुंदियां सन मेरे घर दे कम नुकरियाणियां ते बदशावां वाली जिंदगी सी ना ते जे अज मैनू हाथ नाल कम करना पियावे ते कोई गल नहीं मैं तुहाडी खिदमत करांगी मैं नेक बीबी हाँ मैं साबरा बीबी हाँ मैं जन्नती बीबी हाँ अल्लाहु अकबर कबीरा ते हजरत अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम दे कोल अज बीबी रहमत आंदी है एक मैनू बजुर्ग मिले सी ना ते ओह आंदा सी अपने सिर दे वाल दी माड़ी जिन्नी लिट दे दे चढ़ावा चढ़ा दे ते तेरा घर वाला ठीक हो जाएगा ये शिरक करने वाले कोई शुभ सरकार है और अगले दिन मैं देख रहा सा एक ऐसी कोई पीरनी है कि जड़ी जनाब सिगरेट दे धुएं नाल दम कर दिए तूए मारी जाना और जिन कड्डी जा रहे हैं अजीब तमाशे ना जैली आमला ने ते ड्रामेबाज पीरां ते मौलविया ने बनाया है लोगां दियां इज्जतां दे भी डाकू और ईमान दे भी पैसे दे भी डाकू अहल हदीस का यही जुर्म है हम कहते हैं लोगों इन लुटेरों से बचो अपनी इज्जतें भी बचाओ अपना माल भी बचाओ ये तो वलियों को बदनाम कर रहे हैं इनका तो बिजनेस है ये फराडी है सारे जली आमिल सरकार बड़े फिर देखे हैं अल्लाह अकबर सब शैतनत है सब जादू जिन्नात है लोगों के घर अंदर फसाद ते लड़ाइयां ते बर्बादियां करते हैं पैसे लेके बीबी रहमत ने अपने घर वाले की मुहब्बत और सेहत दे पारो ओ को वाल दे देते अगे लिखा गया हजरत अय्यूब अलैहि सलाम फरमांदे ने बीबी रहमत ओ शैतान सी ओ कौन सी ओ शैतान सी ते तेनू गुमराह करना चाहता सी ए जड़े वाल दे आईए ना मैनू अल्लाह ने सिया दिती ते मैं इस जुर्म दे बदल अंदर तेनू 100 कोड़े मारागा हाय हाय अहले हदीस हो तो मैं अहले हदीस सुना मुबारक हो रब की तौहीद मुबारक हो गल आखरी सुनो वक्त हो गया कहना ए हजरत अय्यूब नहीं कहंदे कि मैं किहड़ी हाल अंदर ते हुई मेरा कर दिए ते मैनू छड़ के टुर गई ते मैं किधर जावांगा नहीं नहीं जान जाए पर तौहीद ते हरफ नहीं आना चाहिदा फरमांदे ने मैं 100 कोड़े तेनू मारांगा मारांगा ते अगो नेक बीबी बोलीए जन्नती बीबी बोलीए आंदी अय्यूब अल्लाह तुहानू मारन जोगा कर देवे ते बिस्मिल्ला मैं हाजिरा जिन्ना दिल मैनू मार लिया जे नेक औरतें जन्नती औरतें अल्लाह अकबर एक दिन गई हुई ने ना ते मगरो अल्लाह वालों हुक्म आ गया फरमाया और को जबेरी जेलेक अय्यूब अपनी अड्डी जमीन ते जरा रगड़ना या अल्लाह मैं रगड़े कितों देवा मेरे अंदर ते हिम्मत ताकत ही कोई नहीं फरमाया इशारा ही कर देना हजरत अय्यूब ने इशारा किया तेरा रब दा कुरान बोल पिया रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पिया करदा फरमाया हाजा मुग्तसलोला बारे दो अशरहाबा ते यो नबियां दे दसन रब्बे अन्नी
مسانی الزر وانتا رحم الرحمین. ایوب نبی نے ایڑی رگڑی میں اشارہ کیتا وے اللہ نے اپنی رحمت دے نال پانی دے دو چشمے جاری کر چھڈے نے, دو چشمے پانی دے جاری ہو گئے. فرمایا ایک نو پی چھڈو اندر دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں, وچ وڑ جاؤ ٹوپی مارو نہاؤ تے بیر دیاں بیماریاں 18 سال دیاں بیماریاں ختم ہو گئیاں, پھر جوانی بھی مل گئی ہے نا. ادھرو نا بی بی رحمت آ گئی ہے, جڑ ویلے ویکھے نا ایتھے تے میرا ایوب بیمار تے وڈیرا تے بیماری والا ہے کوئی نہیں, ایتھے کوئی گبرو بندہ بیٹھا ہے, ایتھے کوئی جوان بندہ بیٹھا ہے, ایتھے کوئی کڑیل بندہ بیٹھا ہے نا. بی بی رحمت نے انج کر کے پلو کر لیا ہے, انج کر کے پردہ کر لیا ہے نا. مل کے بولو, مل کے بولو, نبی دی گھر والی ہے یوسف دی پوتی ہے, یعقوب دی پڑ پوتی ہے, ابراہیم دے خاندان وچ. پر مل کے بولو لوگو, غیب جانن والا کون ہے؟ نہیں پتا چلیا, نہیں پتا چلیا کہ میرا گھر والا بیٹھا ہویا ہے. میں غلط پڑا زبان کٹاوا میرا حق بن دے, گولی مار دے خون معاف ہوئے گا. ممبر تے خطیب گل کر رہا ہے, رب دا قرآن حق دے لانے نام مند قسمت دی بات ہے. ہے نبی دے گھر والی لیکن پتا چلیا, جے ماز اللہ جانی جان سن پتہ چلے سی تے پھر پلے کا دے کڈے, پھر چادر کا دی, پھر پردہ کا دے, پھر سارا کی ہے. نعوذ باللہ, ماز اللہ, عقیدہ بنا لو. رب کی توحید بغیر کوئی عبادت نماز روزہ قبول نہیں ہے. توحید پہلے ہے. قبر میں سوال ہوگا من ربوں کا, قیامت والے دن اللہ سوال و جواب کرے گا. اللہ تے بی بی رحمت نے جدو انج کر کے پلو کیتا نا, انج کر کے پلو کر لیا, انہوں نے انج کر کے میری طرف دیکھنا پلو کر لیا. جدو پلو کیتا تے پلو دے وچ ہولی آواز نال بولیاں آندیاں نے, اللہ والیا ایتھے تھوڑی دیر پہلے میں اپنا بیمار بڈھا گھر والا بیٹھا گئی سا, وہ تے نے کتے ویکھیا. تے حضرت یوں مسکرا پے, فرما دے بی بی گھر والے نو جان دیے. اللہ آدھی زندگی نال گزاریے جان دی کتا نہیں آ. اچھا کوئی دی نشانی تیرے کول؟ آدھی اللہ والا میں تے دکھیاں تے دکھیاں نال نہیں اتنا گلا کری دیاں, نہیں تڑپائی دا. انہوں کوئی جنگلی درندہ پہ گیا یا کدھر گیا؟ اللہ کول چلے گئے, تھے ایسی تھی ہن کوئی نہیں. توں کون ہے تے مینوں چھتی گل دس, مینوں فکر ہو رہی ہے نا. حضرت یو بولے نے آندے نے تیرا گھر والا ہے سی کیڑی شکل و صورت ہولیے دا؟ رحمت بی بی پلو دے وچوں بولی ہے, آدھی اللہ والیا جدو میرے گھر والے تے جوانی دے دوپہر سن, جدو جوانی دیاں لڑیاں سن نا, ادو تیرے تے او دے وچ ایک تل دوی فرق مینوں تے نہیں لگ رہا. ہو بہو توں سواؤں لگنا پر توں او نہیں ہے. او تے بڈھا تے بیمار میرا یوب سینا. او تو اللہ فرما دے ایوب میری بندی نو اتنا پریشان نہ کر, کھول دے راز. حضرت ایوب آندے نے مرا ذرا ویکھنا جا اپنا ہاتھ باہر کڈیا ہے نا انگوٹھی والا. تے بی بی رحمان نے پلو دے وچ جدو ہاتھ کے سامنے ویکھیا نا, آندیاں نے اللہ نہ بھلاوے ہاتھ تے میرے ایوب دا وے, اے انگوٹھی وی میرے ایوب دی ہے نا. حضرت بی بی رحمت آندیاں نے اے کی گل مینوں دسو نا؟ ابے حضرت ایوب بولے نے آدے نے رحمت پردے نہ کر, ویکھنا ہے چشمے رب نے تیرے آن تو پہلے جاری کر چھڈے ہن, توں وی وڑ جا نہا لے پی لے, اللہ تینوں وی جوان کر دے وے گا, اللہ تینوں بھی جوان کر دے گا. حضرت بی بی رحمت بھی نہاتی ہے نا, تے وہ بھی جوان ہو گئیاں, ایوب بھی جوان ہو گیا, بی بی رحمت بھی جوان ہو گئی, مال پھر مل گیا, اولاد پھر مل گئی. اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دے مینہ پا چھڈے نے, تے پھر فراوانی آ گئیاں ہیں, نلرا بیرا ہو گئیاں, نیک بی بی نے ساتھ نبھایا ہے. تے اج حضرت ایوب نے رحمت میں ایک گل کیتی سی کہ تینوں میں کوڑے مارنے ہیں, تے آ لین لگ, حاضر ہو جا جے تیار ہو جا نا. جڑ ویلے حضرت ایوب نبی نے کوڑے دا نام لیا, کوڑے دا نام لیا, اور نیک بیبیوں کی اللہ کیسے مدد کرتا ہے, جنت
ਜਾਤੀ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਅੱਲਾ ਕੈਸੇ ਮਦਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਯੂਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮਾਰਨੇ ਨੇ 100 ਕੌੜੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਅਯੂਬ ਤੈਨੂੰ ਕੌੜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਫਾਵਾਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, 100 ਤਿਨਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਕਰ ਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਾਰ ਦਿਓ, 100 ਤਿਨਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਖੀਆ ਜਾਣੇ, ਸੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ, ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਨਖੇੜੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਬਰ, ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਕੇ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੀਗਰ ਟੱਲੇ ਅਤੇ ਪਈਆਂ ਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੰਛੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਨੀ ਦਫਨਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਕਾਨਲ ਮੋਮਿਨ ਵਾਲਾ ਮੋਮਿਨਾ, ਮੋਮਨਾ ਔਰਤੇ ਨੇਕ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤੇ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਸਬਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ, ਹਯਾ ਵਾਲੀ, ਖਾਵੰਦ ਕਾ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਲੇ ਅਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਬਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।